सोलर सिस्टम के बारे में बुकिंग में फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट यानी कि आपका आज चौथे पार्ट में उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सोलर सिस्टम की अहम भूमिका निभाते हैं, यानी कि प्लैनेट्स, यानी कि हिंदी में जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। प्लैनेट्स सिर्फ तारे ही ग्रह ही नहीं, ये सभी कारकों के एक हिस्सा हैं। ये हमारे सोलर प्लैनेट के हिस्सेदार हैं, इनका हिस्सा हमारे प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम से कैसे जुड़े हुए हैं और इनके बारे में जानते हैं। द वर्ल्ड प्लैनेट इज द ओरिजिनस ऑफ द ग्रीक एंड वर्ल्ड विच मीन्स अ वंडर। ये जो शब्द है प्लैनेट, ये प्लैनेट शब्द ओरिजिनली ग्रीक का दिया हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज का दिया हुआ है, इसका मतलब होता है वंडर। अब इसके आगे बताते हैं, ये एक तरीके से एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक जगह स्थायी रूप से रहता है और ये अपने ऑर्बिट पर घूमते हैं। ऑर्बिट का भी मतलब नहीं बताऊँगा यहाँ पे आपको, ऑर्बिट का मतलब क्या है और ये प्लैनेट हैं कितने। एक्चुअली हमारे पास एक प्लैनेट है और इन एट प्लैनेट्स को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक इनर प्लैनेट और एक आउटर प्लैनेट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स इज कॉल्ड बिकॉज दे आर द ऑलवेज मोशन अराउंड द सन इज अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लैनेट्स जो है ये अपने फिक्स ऑर्बिट पर मूव करते हुए ये सोलर सन का चक्कर लगाते हैं। दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस ऑफ डिफरेंट स्पीड। उनकी जो स्पीड है अपने एक्सिस पर, यानी एक जगह एक्सिस के लिए की स्पीड है वो डिफरेंसिबल है, किसी की तेज है किसी की धीमी है, तो ये अपने अपने स्पीड्स पे रनअप करते हैं, अपने अपने स्पीड पे मोमेंटम लाते हैं। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ आवर क्लोजर बॉडीज विच नो हीट लाइट ऑफ देयर ऑन। कई ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास अपने खुद की ना लाइट है ना कहीं अपनी रोशनी है ना कुछ है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं मून की, जहाँ सन के पास अपनी खुद की रोशनी है वहीं पे जो मून है उसके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से अपना काम चलाता है और रात में आपको दिखाई देता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार पृथ्वी के अंतर्गत में आने वाले ग्रह यानी कि जिसका नाम है आपका मून, यानी कि वह प्लैनेट आर दोस प्लैनेट विच इज हैव अ नो आवर एनर्जिकल पावर ऑफ लाइट। उसके पास अपनी खुद की लाइट की एनर्जी नहीं है, ही इज डिपेंडेंट ऑन सन, वो सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें उसी के बारे में बताया जा रहा है। कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास खुद की रोशनी होती है और कुछ के पास अपनी रोशनी नहीं होती, अपनी पावर्स नहीं होती। दे आर सीन द बिकॉज इज रिफ्लेक्टेड द लाइट ऑन द सन, वो सूरज की रोशनी पर डिपेंड करते हैं। Out of the eight planets of the our solar system, the first four planets are inner planets. जैसे मैंने यहाँ लिखा है, the first four are inner planets. शुरू के चार planets जो हैं वो आपके वो inner planet कहलाते हैं। Inner planet का मतलब वो कौन-कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth and Mars. ये चार planets जितने भी हैं, ये आपके inner planet होते हैं। यानी कि ये सबसे पहले चार planets आते हैं। यानी आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के यहाँ मानते हैं सबसे पहले एक दो तीन चार, यानी ये चार प्लैनेट जो आगे के हैं, ये चार प्लैनेट आगे के हैं। जैसे ये मर्कुरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है। तो ये चारों प्लैनेट जो आगे आते हैं यानी सूरज के आगे आते हैं, सूरज के पास में जो हैं, ये आपके इनर प्लैनेट कहलाते हैं। और उसके बाद के एक दो तीन चार, यानी उसके बाद के जो प्लैनेट है, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया और बाद में यूरेनस और नेपच्यून जो हो गए, ये सारे प्लैनेट, यानी कि सबसे पहले जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, यानी कि ये सारे प्लैनेट आउटर प्लैनेट हैं। यहाँ से ये प्लैनेट आउटर प्लैनेट कहे जाते हैं। और इसी के साथ जो ऊपर के प्लैनेट चार हैं, ये बने हैं रॉक से, यानी चट्टानों से बने हुए हैं, रॉक से बने हुए हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं
ट्रांसलेटरल प्लैनेट, और उसी के साथ जो हमारे आउटर हैं उनको कहते हैं लॉरेंस प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम इतनी चीजों के बारे में जानने के बाद। अब हमारे पास जो हमारा प्लैनेट है, एक्चुअल प्लैनेट है क्या, हम प्लैनेट की जो मेन पॉइंट है, जो प्लैनेट एक्चुअली वंडर करता है अपने स्पेस में, जो फॉलो करता है एक फिक्स पाथ को, वो फिक्स पाथ है आपका ऑर्बिट। उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट, जो अपने सराउंडिंग पार्ट में जो घुमाव लेता है, जहाँ पे वो मोमेंटम लाता है, जहाँ पे वो मूव करता है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। वेयर द यूनिट अराउंड द सन, वो इसी प्रकार से सूरज की परिक्रमा करते हैं। हर एक प्लैनेट सूरज की परिक्रमा करेगा, पर वो अपने ऑर्बिट पे करेगा, अपने फिक्स पाथ पे करेगा, ऐसे में सबको। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपके इसमें बताया जा रहा है, ये दे ऑल रिवॉल्व इन द सेम कंट्रीज टू क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि वे अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट पे, यानी अपने ऑर्बिट के ऊपर वो क्लॉक वाइज मोमेंटम लाते हैं। एक्सपेक्ट वीनस एंड यूरेनस, ये दो प्लैनेट ऐसे हैं, यानी कि वीनस हो गया और यूरेनस हो गया, यानी ये दो प्लैनेट ये जाते हैं अपोजिट में, ये जाते हैं अपने डायरेक्शन में, और प्लैनेट से रोटेट द सेम डायरेक्शन, ये और बाकी कितने प्लैनेट हैं वो अपने सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इन विच विच दे रिवॉल्व सिंस यूरेनस एंड वीनस रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे, बाकी अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे। द सन ऑन दिस प्लैनेट सीम्स टू राइज इन द वेस्ट टू सेट ऑफ ईस्ट, यानी कि और प्लैनेट में क्या है, वेस्ट टू ईस्ट चलता है, पर इसमें उल्टा है, इसमें क्या चलता है, इसमें चलता है आपका ईस्ट टू वेस्ट का, ईस्ट से वेस्ट का, और बाकी प्लैनेट में चलता है वेस्ट टू ईस्ट का। अब बात करते हैं इस सारे रोटेशन में सबसे ज़्यादा तेज रोटेट करने वाला होता है जुपिटर। जुपिटर एक बिग प्लैनेट भी कहा जाता है, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर, और साथ ही साथ ये सबसे तेज रोटेट करने वाला प्लैनेट भी माना जाता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर में। इट्स टेक 9 hours and 56 minutes, ये 9 घंटे और 56 मिनट लेता है टू कम्प्लीट आवर अगेंस्ट ऑफ 24 hours ऑफ अर्थ, यानी अर्थ यहाँ पे 24 घंटे में खत्म करता है, तो ये 9 घंटे 56 मिनट में ही खत्म करके रख देता है पूरे ऑर्बिट का चक्कर। द प्लैनेट ऑफ इट इज टेकिंग द मैक्सिमम टाइम ऑफ अबाउट 243 अर्थ डेज, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला वीनस है, जो कि 243 अर्थ डेज के अकॉर्डिंग राउंड पूरा करता है। All the planets move around the sun same direction, but it does not in the same time to complete our revolves. कोई सब planet अपने अपने orbit पे पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूरज के चक्कर लगाते हैं, पर कोई भी same timing पे complete नहीं करता है, सबकी timing अलग अलग है, सबकी timing अपने अपने अलग अलग timing के according ही वो अपने orbits पे completely पूरे round sun के लगा पाते हैं। The planet which is the nearly to the sun is taken time then the which is the farthest of the suns, again the closest is the sun's the Mercury, completely radius of 88 days, with the Neptune is which is the farthest planet taken 164.79 years to complete it. जहाँ पे हमारे पास मर्करी के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि 88 days लेती है, साथ ही साथ वहाँ पे नेपच्यून के बारे में बताया जा रहा है 164.79 ईयर्स लेता है कंप्लीट करने में। तो ये अलग अलग डायरेक्शनल रिवॉल्विटी है जो मोमेंटम के साथ करती है, और उसी के साथ हमारी अर्थ जो है 365 डेज लेती है और 6 आवर्स लेती है कंप्लीट करने में अपना पूरा राउंड। तो आज हमें इसके में इतनी चीज़ों में अभी इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं कि प्लैनेट कैसे मूव करता है, कितने दिनों में करता है, कैसे कैसे करेगा, और कैसे कैसे आगे मोमेंटम तैयार करता है। अब आते हैं ड्वार्फ प्लैनेट पे। ड्वार्फ मतलब होता है बौना प्लैनेट, जो हम सोलर सिस्टम में लेते ही नहीं है, ये बौने प्लैनेट को हम लेते ही नहीं है, इनको हम सोलर सिस्टम में मानते ही नहीं है कि सोलर सिस्टम के मतलब एक हिस्सा जरूर है, बट
इस सोलर सिस्टम के हिस्से नहीं माने जाएंगे, यानी कि आउट ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि सोलर सिस्टम में एक तरीके से अलग जगह दी गई, इनमें इन प्लैनेट्स की ग्रहों के, इन ग्रहों आठ ग्रहों के बीच में, यानी कि एट प्लैनेट्स के बीच में इनको रखा ही नहीं गया है, इनको एट प्लैनेट्स के अदर मेम्बरिंग बनाई गई है। जो प्लूटो कैरिस एरियस और मैकमैक और ह्यूमन में आता है, ये पांचों प्लैनेट जो हैं इन प्लैनेट सिस्टम से अलग हैं, ना ही इनको किसी स्टार्स में कैलकुलेट किया जाता है, ना किसी अलग, यानी कि जैसे कि किसी और प्लैनेटेशन केस में लगाया जाए, इनको अलग ही एक ग्रुप प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है, जिनको हम कहते हैं बोने प्लैनेट्स। अब आता है आवर प्लैनेट्स अर्थ। अर्थ अर्थ का जो ये मैं सरफेस बना रहा हूँ बेटा, ये सरफेस है आपका अर्थ का लैंडिंग सरफेस, जहां पे लैंड है, इसलिए मैं इसको कलर्ड कर दे रहा हूँ कि आपको ये पता रहे, जो कि कलर्ड एरिया है वो लैंड एरिया माना जाता है। ये लैंड का एरिया जितना भी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है ह्यूमन बीइंग्स एनिमल सर्वाइवल के लिए। जितने भी पशु पक्षी जितने भी रहते हैं, जितने भी चीज़ें उगती हैं खाने से संबंधित सारी चीज़ें, वो हमारे लैंड सरफेस पे उगती हैं। तो हम अपने प्लैनेट के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझ लें कि अर्थ कितना इम्पोर्टेंट है, जिसका लैंडिकल एरिया कितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए रखता है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो, हमारी अर्थ का जो बर्थ हुआ है वो वाटर से ही हुआ है, और सबसे मेन भूमिका इसमें, सबसे ज़्यादा मेन भूमिका गैसेस की रही है, यानी गैसेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहे हैं इनके बीच में, इनके बीच का संपर्क को बनाए रखने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इनके गैसेस, जो हमारे सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा हैं। ये हमारी अर्थ है। अब इस अर्थ में क्या है हम जानते हैं, ये अर्थ एक प्रकार से कई सारे एटमॉस्फेरिक लेयर से घिरी हुई है, इसके आसपास बहुत बड़ा एटमॉस्फेरिक लेयर है। पहले इस चीज को समझ लीजिए, एटमॉस्फेरिक लेयर यानी कि जिस जो वातावरण में हम रह रहे हैं, इसमें कई सारे गैसेस इंक्लूडेड है, इसमें सब में पूरे में गैसेस इंक्लूडेड है। ये गैसों का एक परत है पूरा, जो हमारी अर्थ को कवर कर रखा है। अर्थ को यूं ही ब्लू प्लैनेट नहीं कहते हैं, एक्चुअली ब्लू प्लैनेट है क्यों, ब्लू प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इसमें पानी सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा है और जमीनी स्तर कम है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, हमारी जो अर्थ है वो पांचवी यानी फिफ्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम, ठीक है, यानी कि ये पांचवी सबसे बड़ी प्लैनेट है, और इट इज अ स्फीयर फॉर द पिंचेस ऑफ पोल्स, ये पोल्स से रिलेटेड है। इसके ऊपर यहाँ पे एक मान सकते हैं ऐसे करके, जो एक आपने पढ़ा होगा पहले भी, पोल रहता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उस केस के अकॉर्डिंग इसकी स्टडी की जाती है। स्पेस क्राफ्ट एंड लैंड अर्थ इज लुक द मैक्सिमम ग्रीन एंड ब्राउन,
जब हम ऊपर से देखते हैं अपने जमीनी स्थल को तो वो ज्यादातर ग्रीन एंड लैंड फॉर्म में दिखाई देती है। लैंड फॉर्म यानी कि ब्राउन कलर, यानी ब्राउनेशन इसमें दिखाई देता है। जो ये हिस्सा मैं आपको आउटलाइन करके दिखा रहा हूँ, ये ग्रीन या फिर ब्राउन साइडेबल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता? इसका कारण बहुत आसान है। इसका कारण यह है कि ये जो है जमीनी स्थल है, या फिर इसमें ग्रीन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत अधिक हैं, हरियाली बहुत अधिक है। और जहां पे आपको ब्राउनेशन दिखाई देता है तो उसका मतलब यह है कि वहां पर पेड़ पौधे कम हैं, इसलिए वहां पे ब्राउनेशन दिखाई देता है, ब्राउन ब्राउन सा दिखाई देता है। तो ये अर्थ की सरफेस के बारे में बताया गया है। द ओशियंस ऑफ विच इज कवर आर द लैंड लुक अ ब्लू। जो ये ओशियंस हैं, ये पानी का स्थल जो है, ये आपका पानी का जो स्थल है यहाँ पे, ठीक है बेटा, जो पानी का स्थल है जहाँ पे पानी बहुत अधिक है वहां पे आपको ये ब्लू प्लैनेट के रूप में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर ये ब्लू ओशियन से घिरा हुआ है। ब्लू ओशियन यानी पानी से घिरा पड़ा है पूरा ये इलाका। उसके बाद इन्होंने बताया है इसमें, द अर्थ इज कॉल्ड देयरफॉर द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए हम अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट। किसके लिए, किसके वजह से कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा पड़ा है, ओशियन से घिरा पड़ा है। द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सिर्फ अर्थ ही है एक ऐसा प्लैनेट जो सबसे यूनिक प्लैनेट है, सबसे अलग और सबसे भिन्न प्लैनेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स, एग्जिस्ट करता है लाइफ, ठीक है। उसी के साथ ही साथ, दिस इज बिकॉज द कंडीशन टू रिक्वायर सपोर्ट सपोर्ट लाइफ आर फाउंड फाउंड ऑनली द अर्थ विद एलेक्स ऑफ दिस कंडीशन आर। पहले इसमें आता है मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर? अभी गर्मी चल रही है, ये इसमें पूरा पूरा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ का सोलर सिस्टम जो इसका एटमोसफेयर है, जो भी सोलर सिस्टम के अंदर की जो चीजें हैं वो तो अलग हैं, लेकिन इस प्लैनेट पे जब इस प्लैनेट की बात करते हैं तो इस प्लैनेट पे सबसे बड़ा अहम भूमिका एटमॉस्फेयर रखता है, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? जो अर्थ का टेम्परेचर है उसी के ऊपर ही यहाँ की ह्यूमन बींग्स भी डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलेटेड टू द लिविंग पीपल्स इन द अर्थ। सबसे ज्यादा लिविंग पीपल्स पे, लिविंग पीपल्स के ऊपर एटमोस्फेरिक लेयर का, एटमोस्फेयर का यही होता है कि वहां पे टेम्परेचर किस प्रकार से रहेगा जिसके वजह से मनुष्य और जीव जंतु जीवित रह सके। उसके बाद बताया जा रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट द प्लैनेट्स वेरियस इन द सन डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सन। ये कह रहे हैं कि कुछ सूरज की दूरी पर भी निर्भर करता है कि उसका टेम्परेचर कैसा होगा। अगर सूरज की दूरी जितनी रहेगी उतना वो प्लैनेट ठंडा होगा, और जितना उससे करीबी रहेगा उतना ही वो प्लैनेट हीट करेगा। तो यानी कि मर्क्यूरी सबसे ज्यादा हीट करने वाला, फिर वीनस, फिर अर्थ, यानी अर्थ तीसरे नंबर पे आता है। तो अर्थ का टेम्परेचर इस समय आपको जिस तरीके दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्बिट में सन के क्लोजेबल जाने वाला है, इसलिए हीटनेशन ज्यादा हो रहा है, धूप की किरणें तेज इस पे पड़ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है, नेपच्यून इज द फेदर प्लैनेट, पैथरस प्लैनेट एंड मर्करी एंड वीनस विच इज द क्लोजेस्ट ऑफ द सन। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे ठंडा प्लैनेट जो है वो नेपच्यून है, और एवरेज टेम्परेचर जो जिसमें 225 डिग्री सेल्सियस का जिसमें टेम्परेचर हमेशा बना रहता है वो है मर्करी और वीनस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। याद रखिएगा इन दोनों प्लैनेट पे 225 डिग्री सेल्सियस की हीट हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के पास में। द टेम्परेचर इज अबव 4000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लोग कह सकते हैं कि इनका टेम्परेचर जो नेपच्यून का जो टेम्परेचर है -225 डिग्री सेल्सियस, सॉरी मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, जो नेपच्यून का टेम्परेचर है 225 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि -225 डिग्री सेल्सियस कोल्डेस्ट है इसका, कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑफ नेपच्यून। यानी सबसे ज्यादा ठंडा प्लैनेट जिसमें नेपच्यून है, नेपच्यून का टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा हीटेबल होते हैं मर्करी और वीनस, क्योंकि यहाँ पे होता है 4000 डिग्री सेल्सियस काफे मर्करी पे और वीनस पे।
तो इसके बारे में हमें यहाँ पे ये पता चला है। द अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। द एवरेज टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर जाता है जो एक नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है 22 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है। द एवरेज टेम्परेचर इतना है और ये एक तरीके से सुटेबल रहता है किसके लिए, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म। पानी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म पर है, इसमें फेवरेबल टेम्परेचर है, जिसमें ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें मिली हुई है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग के लिए ऑक्सीजन जैसे जीवन है, जीवन का रास्ता है, तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ फॉर द रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स प्लांट एनिमल्स बिकॉज इट इज द सर्वाइवल ऑफ दिस थिंग्स। But and the carbon dioxide is related directly to the plants and trees. That means both are the very important gases in the earth. यहाँ पे carbon dioxide भी important रखती है, तो वहीं पे हमारे पास oxygen भी important रखती है। But जो carbon dioxide है उसको plants अपने अंदर लेते हैं और oxygen exist करते हैं, तो oxygen हमारे लिए जीवनदायक है, हम उसे oxygen लेते हैं। That means the importance is these things. The trees is the most important थिंग्स ऑफ दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के अंदर पेड़ पौधे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए इस प्लैनेट का अस्तित्व तो आज तक जीवित है, वरना ये भी प्लैनेट्स और प्लैनेट्स तरह शायद गायब हो जाता या फिर कुछ भी ना होता। तो आज हमने इतनी चीज़ें पढ़ी, यहाँ पर हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, जोन। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ का जो सर्फेस है वो गैस जोन ओजोन पर टिका हुआ है, गैस ओजोन उन्हीं को कहा गया है जो गैस से रिलेटेबल हुआ है। ठीक है, तो क्लास आज हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और इतनी सारी चीज़ों में आज हमने दो तीन कंसेप्ट पूरे किए हैं। अब मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स दे रहा हूँ, जिन हार्ड वर्ड्स को आपको फाइंड करना है। ये आपके पास 6 मैंने हार्ड वर्ड्स दिए हैं, इन 6 हार्ड वर्ड्स को फाइंड करना है इंग्लिश टू इंग्लिश एंड हिंदी भी, और इससे जुड़े हुए जितने भी चीज़ें मैंने आज आपको पढ़ाए हैं उन चीज़ों की आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है, उसको रिवाइज करना है और इतना आपको कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू क्लास।